व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं गौरव भाटिया वर्सेस आशुतोष की लेटेस्ट डिबेट। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग और गौरव भाटिया सर की वीडियो भी मस्त होती है, मजेदार होती है, करते हैं साथ में एंजॉय। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। गुस्से में किसी ने आशुतोष पर नीले रंग का पानी भी फेंक दिया। ईडी के सवालों का जवाब देने नहीं जाऊंगा, मैं पेशी में जवाब देने नहीं जाऊंगा। चुनाव 3 महीने दूर है तो ये एक गंभीर सवाल खड़ा कर देता है। आज की तारीख का किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा जो थोड़ा बहुत भी राजनीतिक जानकारी रहता है, वो आंख बंद करके आपको कहेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर हो गया है, कोई विछंटिंग का केस है और ये पूरी की पूरी निर्लज्जता के साथ इसका पालन किया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अब तो राजनीतिक विश्लेषक लिखवाते हैं, लेकिन मुझे निष्पक्ष नहीं लग रहे कि आप जैसा पत्रकार जो कहता है अपने आप को, कम से कम ये बात यहाँ रखता। मैंने आपको आपको कुछ नहीं आता। अरे पिछले गौरव भाटिया अगर पर्सनल कमेंट करेंगे तो आपको भागना पड़ेगा। मुझे बोलिए आपको समाजवादी पार्टी नहीं थे आप कहाँ थे, मैं फिर याद दिलाऊं? जब आप पत्रकार थे तो दलाली करके टिकट मांग रहे थे। दलाली करके टिकट मांग रहे थे। आशुतोष जी, प्रश्न ये है कि मैसेजिंग कैसी है ये? मैं ईडी के सवालों का जवाब देने नहीं जाऊंगा, मैं पेशी में जवाब देने नहीं जाऊंगा। मुझे ईडी लिस्ट भेजे सवालों का, मुझे ईडी बताए। ईडी के समन में ही तकनीकी खराबी है। क्या ये मैसेजिंग सही है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप अनेकों नेताओं पर लगाए? आज जब ऐसे ही आरोप उन पर लग रहे हैं तो कानूनी प्रक्रिया से ही तो पाक साफ होकर निकला जा सकता है, या फिर वाकई इसमें साजिश है? देखिए अंजना, आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल को समन्स का सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम की एजेंसी है वो किस तरीके से काम कर रही है। जहां तक मेरा अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल को पहले समन में ही ईडी के सामने पेश हो जाना चाहिए था और वहां जाके जो भी पक्ष हो अपना पक्ष रखना चाहिए था, और अगर ईडी उनको गिरफ्तार करती है तो सहज तौर पर अपनी गिरफ्तारी भी देनी चाहिए थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब ईडी के समन्स का सम्मान नहीं करते हैं तो उनका पास्ट उनको आके हॉन्ट करता है, क्योंकि उन्होंने ही वो सारी शर्तें वो सारे पैरामीटर्स तय किए थे। और आज की तारीख में ये इंप्रेशन राजनीतिक तौर पर गलत जाता है कि आप जांच से भाग रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए होता तो बात बिल्कुल अलग होती। अब इसका दूसरा पहलू है, दूसरा पहलू इस बात को लेकर यह कि बड़ी बिजार स्थिति है। आज की तारीख में देश के दो मुख्यमंत्रियों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, 7 बार समन उनको दिया जा चुका है और 3 बार समन अरविंद केजरीवाल को दिया जा चुका है। चुनाव 3 महीने दूर है तो ये एक गंभीर सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इतनी इस स्थिति में कैसी है। जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रश्न है, आज की तारीख में आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा जो थोड़ा बहुत भी राजनीतिक जानकारी रहता है, वो आंख बंद करके आपको कहेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर हो गया है। वहां के जो तमाम अधिकारी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। इसमें किसी तरीके से बिना लाग लपेट के कहने मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 95% केसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, विधानसभा के चुनाव नजदीक आए तो आपने देखा कि अशोक गहलोत के बेटे को बुलाया जा रहा है। वहां कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है डोटासरा उनको बुलाया जा रहा है। आप जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तो वहां महादेव ऐप की बात हो जाती है और फिर जो वहां के मुख्यमंत्री करीबी को बुलाया जाता है, यह महज इत्तफाक की बात नहीं है। और तो और महाराष्ट्र के चुनाव होते हैं, प्रफुल्ल पटेल को बुलाया जा रहा था, शरद पवार को संबंध दिए जा रहे थे, कश्मीर के चुनाव होते हैं तो सारे नेताओं के पास हो जाते हैं। ये इत्तफाक नहीं है, ये बिल्कुल विछंटिंग का केस है और ये पूरी की पूरी निर्लज्जता के साथ इसका पालन किया जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देखिए, बहुत दुख के साथ एक बात कहता हूँ, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, अब तो राजनीतिक विश्लेषक लिखवाते हैं, लेकिन मुझे निष्पक्ष नहीं लग रहे। अजय लाल का एक केस है, आशुतोष जी पढ़ते लिखते हैं आप, कभी कभी थोड़ा पढ़िएगा। राजनीतिक द्वेष से अगर कोई मामला होता है ना तो आप न्यायालय जाके उसको निरस्त करा सकते हैं। आप जैसा पत्रकार जो कहता है अपने आप को, कम से कम ये बात यहां रखता कि भाई कोर्ट क्यों नहीं जाते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को बेल क्यों नहीं मिल रही। एक शेर आपने सुना होगा जिसमें कहा जाता है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। ऐसे ही आज लोग कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बात आई, बच्चा बच्चा भ्रष्टाचार तुम्हारा जाने है, जाने न जाने केजरीवाल ही न जाने, भारत तो सारा जाने। भारत जानता है कि केजरीवाल से बड़ा कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी
पापी कोई पैदा नहीं हुआ है और इसीलिए उसको नेतृत्व से उनके पार्टी के जो नेता है बेल। ठीक है आशुतोष को एक पॉइंट, आशुतोष जी अपना पॉइंट जल्दी से बोले। आशुतोष नहीं, मैं गौरव भाटिया को मानता हूं कि ये सीनियर वकील हैं और शायद इनको इस बात की जानकारी नहीं कि विजय मदनलाल चौधरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट जुलाई 2022 में डिलीवर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अपने केस को रिव्यू करती है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि पीएमएलए के मामले में जो केस था उसको रिव्यू करेगी। इसका मतलब क्या है कि जो जस्टिस खानविलकर, जस्टिस कुमार और जस्टिस माहेश्वरी के रिव्यू हो गया। आशुतोष जी रिव्यू हो गया। गौरव भाटिया मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ हाल हमारा जाने दे नहीं नहीं मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं आपको कुछ नहीं आता। अरे पिछले गौरव भाटिया अगर पर्सनल कमेंट करेंगे तो आपको भागना पड़ेगा। बोलिए अगर आप पर्सनल कमेंट कर इस डिबेट से भागना पड़ेगा। ठीक है बात तो आप आपस में बात मत कीजिए। प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। गौरव जी आप भी प्लीज बीच में मत बोलिए, आवाज नीचे प्लीज। आशुतोष जी प्लीज आप टॉपिक से रिलेटेड बात करें, मत पर्सनल कमेंट में उलझे। ठीक है मैंने उनको बोल दिया वो अब नहीं बोल रहे। हो गया चलिए जवाब बेशर्मी से जवाब दिया। आशुतोष जी अपनी बात पूरी करें दलील के साथ। तो गौरव भाटिया को शायद कानून की जानकारी इस बात की होगी क्योंकि वो वरिष्ठ वकील है। सुप्रीम कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अपने केस को का रिव्यू करती है, ये रिव्यू कर रही। ये इस बात का अपने आप में संज्ञान है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है और ये इस गड़बड़ी की वजह से सुप्रीम कोर्ट उसके रिव्यू कर रहा है। गौरव भाटिया उसको नहीं जानना चाहते तो गौरव भाटिया की बात है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। अब ये मैं उत्तर दे देता हूं। नहीं आशुतोष जी ने अच्छी बात कही। मैं छोटा सा जवाब जल्दी से। आशुतोष जी ये आपके लिए भी है ज्ञानवर्धन, आपका भी ज्ञानवर्धन करेगा। आपने मदन लाल चौधरी का जो केस कहा है रिव्यू कम होता है ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन रिव्यू होने के बाद अगर सेट असाइड होता है ना जब जजमेंट, तब वो देश का कानून नहीं रहता है और जो नया जजमेंट आता है रिव्यू में वो कानून हो जाता है। और अभी जो आप कह रहे हैं वहां सेट असाइड नहीं किया गया है जजमेंट को, इसलिए कानून तो वही रहेगा जो पहले जजमेंट आया था। दूसरी बात आपको बता दूं, एक रिव्यू और है। जब सीबीआई का दुरुपयोग हुआ था चुनाव के दौरान, मुलायम सिंह यादव और मायावती दोनों पे सीबीआई की जांच हुई थी और आपको मालूम है रिव्यू पिटीशन में ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जो जांच थी उसको रद्द किया था डिंपल यादव पे और प्रतीक यादव पे। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि दुरुपयोग तब होता था जब पिंजरे का तोता बनाया हुआ था। इधर चुनौती देता हूं 10 साल में एक निर्णय बताइए जहां सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने कहा हो कि मोदी जी की सरकार दुरुपयोग कर रही है जांच एजेंसियों का। चुनौती है मेरी आशुतोष जी आपसे। समाजवादी पार्टी में थे, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मेरे होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तर्क नहीं है। आप समाजवादी पार्टी में थे, आप कहा थे मैं फिर याद दिलाऊं, आप पत्रकार हो के अपना टिकट मांग रहे थे, आप पत्रकार होके दलाली कर रहे थे, मैं याद दिलाऊं। ठीक है हो गया। जब आप पत्रकार थे तो दलाली करके टिकट मांग रहे थे, मैं याद दिलाऊं आपको। गजब बेइज्जती ये सिस्टम हैंग करता है। 4 लाख रुपए तनखा है आपकी, 4 लाख रुपए तनखा, 4 लाख रुपए तनखा लेते थे आप। साथ आपने 20 साल मीडिया प्रिंट मीडिया में रहे हैं, आपने 4 लाख रुपए तनखा लिए तब देश की याद नहीं आई, आज आप देश की याद आ रही है। गुस्से में किसी ने आशुतोष पर नीले रंग का पानी भी फेंक दिया। भैया भाई ये जनता है और जनता ना सब जानती है आज के टाइम में, सोशल मीडिया के ज़माने में सब कुछ पता होता है। और अभी तो आप देख लो, मुझे फिर भी ये लगता है कि देखो अगर कोई भी ईडी का समन आता कुछ आता तो जाना चाहिए, क्यों हमेशा एक आम आदमी पर ये आ जाती है कि पुलिस को नोटिस आ गया कुछ भी आ गया तो बस भागो ले जाना पड़ेगा, नहीं तो है। और ये कोई मंत्री पे आ जाए तो नहीं लिस्ट भेजो उसकी जो भाई, मैं नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जहां पर आपको समन आता है रिस्पेक्ट द लॉ जाना चाहिए। ठीक है फिर तो मुझे लगता है कि सारे लोग क्या आम आदमी के लिए बने हुए हैं, आम आदमी ही पिसे कोर्ट के चक्कर भी आम आदमी कटवाए हर चीज, और आम आदमी पार्टी का नाम है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप, आम आदमी को बोल के ये देखे कि मुझे जो भी क्वेश्चन पूछने मुझे लिस्ट भेज दो बोल के देखे एक बार भाई। हाँ बोल लो यार, ऐसा दुरुपयोग ये फिर साफ साफ वो होता है कि भैया आप सिस्टम को इस तरीके से हैंग कर रहे हो। सिस्टम को हैंग मत करो, जो चीज है भैया उसको तरीके से करो, यही मैं कहना चाहूंगा। और जिसको जो सजा मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए भैया, फिर अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कोई किसी भी पोस्ट पे हो वो पोस्ट उस इंसान से नहीं है, उस पोस्ट से आप हो, क्योंकि आपको इलेक्ट करके चाहे 5 साल का टेन्योर मिला है चाहे आपको जो भी मिला, यार
नौकरी कोई भी पक्की नहीं होती है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। सरकारी नौकरी में भी अगर आप देश का गद्दारी करोगे, चाहे फौज में हो चाहे आप इलेक्टेड हो, तो कितना भी आप डिले कर लो, सच्चाई आ जाती है सामने, फिर घोटाले में जाते हैं भैया। बस मुझे वही थोड़ी गड़बड़ लगती है कई बार नेताओं को, हमने देखा है वीडियो क्लिप्स भी आते हैं कि जेल के अंदर भी ऐसे स्वाद लेते हैं जैसे कि अपनी ट्रिप अलग ही चल रही हो। थोड़ा इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है, नहीं तो वो सजा ही क्या जिसमें सजा वाली फीलिंग ना आए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।